गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इस समय बज रहा है 6:15। देखिए मॉर्निंग का टाइम है, बच्चे क्रिकेट भी खेल रहे हैं, शोर मच रहा है कोई बच्चे से, क्योंकि बच्चे का स्कूल खुल गया है तो बच्चे तो नहीं, बड़े लोग भी क्रिकेट खेल रहे हैं। और मैं हल्के स्कूल जाने की तैयारी कर रही हूँ। मैं बना रही हूँ इस समय बसीड़े आलू, तो बसीड़े आलू थोड़े से सूखे कर दूँगी तो मेहुल ले जाएंगे। बाकी अनूप के लिए कोई सब्जी रसे की समझ में नहीं आती क्या सब्ज़ी बनाओ, तो बस बसीड़े आलू मेरे बन रहे हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग अलवंडा राखी। तो देखिए गाड़ी की आवाज़ आ गई और अनूप ऑफिस चले गए हैं, बस जस्ट निकले हैं। और मैं नहा ली थी लेकिन गर्मी बहुत है तो मैंने अभी ये बाल खोले नहीं है ना, अनूप का पराठा वगैरह सब सेक लिया बाल बंधे बंधे में ही, क्योंकि गर्मी इतनी है जब बाल लगते हैं ना इस जगह पे तो बहुत ज़्यादा, किचन में तो बहुत ही ज़्यादा है। लेडीज की हम लोगों की आफत है, मतलब 24 घंटे किचन में काम, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, और बच्चे घर पे हो छुट्टी हो तो क्या कहने, वरना टाइम तो मिलता ही नहीं है। पहले बच्चे जाते हैं, फिर ऑफिस हस्बैंड वगैरह जाते हैं, फिर उसके बाद घर समेटो, फिर मेड आ जाती है, मेड के साथ लगो, फिर दोपहर के बच्चे को आने का टाइम, बस रूटीन गर्मी में बस यही होता रहता है। तो बस अब मैं जा रही हूँ, मेरी पूजा नहीं हुई आज, वैसे मेरी पूजा हो जाती है लेकिन मैं लेट हो गई, नहा इसलिए ले क्योंकि अनूप तुरंत जाते तो तुरंत नहाती नहीं, फिर मुझे लेट हो जाता, इसलिए नहा ली अनूप के सामने ही। और मैं जा रही हूँ अब पूजा करने, पूजा के बाद हाँ आज सब्जियाँ समझ में नहीं आती हैं तो मैंने अनूप को ले जाने के लिए बनाए बसीड़े आलू, बसीड़े आलू की सब्जी बनाई। और देखते हैं क्या बनता है दोपहर में, खिचड़ी वगैरह जो भी मेहुल खाना पसंद करेंगे। तो मैं पूजा कर लेती हूँ फिर आपसे मिलते हैं। और पूजा का क्या होता है ना, अगर रूटीन एक बार तो मॉर्निंग में ऐसा हो जाए कि अरे नहीं आज देर हो गई नहाने में, तो पता हमेशा पूजा को मेरी बहुत देर, लेकिन एक बात अच्छी है मेरे मंदिर में दिया बत्ती जल जाती है। देखिए अनूप अभी पूजा करके जस्ट गए हैं और ये चिंता नहीं रहती, मेरे लड्डू गोपाल को भी भोग लग जाता है, देखिए दिया जल रहा है तो ये चिंता नहीं रहती कि मेरी पूजा नहीं हुई है, अरे बाप रे कि मेरे भगवान जी भूखे बैठे हैं, मेरे लड्डू गोपाल या जो भी है, लेकिन दिया बाती करके अनूप का रूटीन है। कितना भी कुछ हो मेरी पूजा कभी रह जाए लेकिन अनूप की पूजा कभी नहीं रहती, हमेशा पूजा वक्त पर करते हैं वो, ये उनकी खासियत है। तो बस बने रहिएगा मेरे ब्लॉग पर, मैं पूजा के बाद आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स बताइएगा मेरी, मैं जो नाश्ता करती हूँ ना, किस किस को ऐसा नाश्ता पसंद है कि आम, आम मुझे पता है, आम के साथ नमक अजवाइन की रोटी, देसी घी लगी हुई और यम्मी सी चटनी मिर्च और लहसुन की, वाह पूरा भरपेट खाना खा लेते, इतना मस्त लगती है। तो मैं अपने लिए बनाऊंगी अभी ये दो मोटे पानी के हाथ की रोटी सेकने जा रही हूँ, और आम से और चटनी से मस्त वाली भाप है। मुझे तो अनूप हंसते हैं हमारे, ये क्या तुम्हारा तरीका है खाने का, लेकिन बताइएगा किस किस को पसंद है मेरा तरीका, आम और मोटी रोटी घी वाली लगी हुई और चटनी यम्मी सी लगती है, बताइएगा कौन कौन खाता है। और जो लोग नहीं खाते हैं ना तो ट्राई करके देखिएगा आम के साथ, बहुत मस्त लगती है खाने में। और इस समय बज गया है शाम का 4:45 और अब हम बैठ गए हैं थोड़ी देर मिट्टू बाहर, देखिए मिट्टू बाहर ना। और इस समय बज गया है शाम का 4:45 और अब हम बैठ गए हैं थोड़ी देर मिट्टू बाहर, देखिए मिट्टू बाहर ना। हम बैठ गए हैं मिट्टू के पास, देखिए बाहर थोड़ा लॉबी में ताज़ी ताज़ी हवा मिट्टू को लगे और पक्षी वगैरह बोल रहे हैं ना सामने, तो मिट्टू बहुत खुश है हमारे, है ना मिट्टू, मिट्टू बहुत बोलने लगा है हमारा। हम मिट्टू को नानी कहना सिखा रहे हैं, मेहुल का नाम लेने लगा है, पापा कह लेता है, और मिट्टू बहुत बोलने लगा है ना मिट्टू, बोल के दिखाओ मिट्टू, बोल के दिखाओ मिट्टू, दिख रहा है ना इसमें अपना फोटो, दिख रहा है वीडियो में। तो बस हम भी हवा में थोड़ी देर बैठ रहे हैं और लेट लिए थे, गर्मी बहुत थी तो क्या काम करते हैं, अब उठ रहे हैं, अभी कपड़े मशीन लगाई थी आज मैंने मॉर्निंग में, तो वो कपड़े जस्ट अभी तह करके रख कर आई हूँ, सब अंदर फोल्ड कर करके, और कपड़े फोल्ड करके रखने के बाद अब थोड़ा घर थोड़ा समेटा है, थोड़ा फैली जाता है। अब मैं जा रही हूँ नाश्ते में, देखती हूँ आज क्या बनाती हूँ, आज सोच रही हूँ बेसन के चीले अनूप को बना के नाश्ते में दूँ चाय के साथ, अच्छे लगते हैं, है ना, बताइए कौन कौन चीले खाता है। तो सोच रही हूँ और खाने में कुछ भी सब्जी ऐसी समझ में नहीं आ रही क्या बनाऊँ, या तो कड़ी बनाऊँगी, कटहल की सब्जी बनाऊँगी, देखते हैं अनूप आ जाते हैं तो पूछ करके क्या खाएंगे, वही
रोज का दाल चावल रोटी सब्जी। शाम को तो दाल चावल ही बनते हैं मेरे यहाँ, क्योंकि मॉर्निंग में सब्जी पराठा या सब्जी रोटी ही ले जाते हैं, पराठा नहीं पसंद करते। तो बस मिट्टू से हमारे बातें कर लो। मिट्टू बातें नहीं करेगा, बीच में नहीं बोलेगा। मिट्टू कुछ भी नहीं, मिट्टू बहुत खुश है बाहर देख के। मिट्टू टाइम है भी थोड़ी देर, तो मिट्टू को मैं पढ़ा रही हूँ बैठ के। मिट्टू सीटी बहुत अच्छी मारने लगा, थोड़ी थोड़ी मारता मैं सिखा दी। मिट्टू अंदर जीभ से बोलना चाहता है, बहुत बहुत कुछ बोलने लगा है ना मिट्टू। अभी 4 मंथ का हुआ है हमारा मिट्टू, छोटा है ना।